नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, महाराष्ट्र T24 के टॉप 30 हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता में कमिश्नर को बदला जाएगा, बैठक के बाद ममता बनर्जी ने मानी डॉक्टरों की मांग। एमपी ईद ए मिलाद के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर एफआईआर दर्ज। मणिपुर में खुलेगा 16 नए केंद्र पुलिस कल्याण भंडार, गृह मंत्री का फैसला। भारतीय मुस्लिमों पर ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान का MEA ने किया खंडन। छत्तीसगढ़ सुकमा में सुरक्षा बलों ने बरामद किए 3 IED बम। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से की हड़ताल वापस लेने की अपील। कोलकाता डॉक्टरों और ममता बनर्जी की बैठक खत्म। बरेली में बवाल के 12 घंटों बाद फिर से स्थिति तनावपूर्ण, अंजुमन जुलूस को लेकर दो पक्ष आमने सामने। कोलकाता CM ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच बैठक जारी। आम आदमी पार्टी PAC की बैठक खत्म, केजरीवाल ने नए CM को लेकर मंत्रियों से की चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर PAC की बैठक जारी। भोपाल के पास मिसरोद और मंडी द्वीप के बीच पार्सल ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतरे। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक कल सुबह 11 बजे, वहीं फाइनल होगा नए CM का नाम। दिल्ली कल 11 बजे होगी आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक। थोड़ी देर में डॉक्टर संघ बैठक करेगी CM ममता, स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य भी CM आवास पर मौजूद। दिल्ली कल शाम 4:30 बजे LG से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपेंगे CM अरविंद केजरीवाल। कोलकाता CM ममता के साथ बैठक को राजी हुए जूनियर डॉक्टर्स। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए EVM लेकर रवाना हुए मतदान दल। लखनऊ विधायक निवास में मिली युवक की डेड बॉडी, शरीर पर चोट के निशान। आज नहीं तो कल आतंकियों से मिलने की कोशिश करेंगे राहुल, संजय निषाद। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालत, ममता बनर्जी। कोलकाता डॉक्टर संदीप घोष के फार्म हाउस पर ED की रेड। बिहार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण यादव का पटना एम्स में निधन। केंद्रीय मंत्री रवनीत भट्टू के बाद अब UP के मंत्री रघुराज सिंह ने राहुल गांधी को कहा आतंकवादी। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में निवेश करना चाहता है जर्मनी, जर्मन मंत्री स्वेजना सुलेजे। UP फिरोजाबाद विस्फोट मामले में मरने वालों की संख्या 5 हुई, पटाखों के स्टोरेज में हुआ था धमाका। UP PM मोदी के जन्मदिन के मौके पर BJP आज से शुरू करेगी सेवा पखवाड़ा। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। हरियाणा की लोहारू विधानसभा में आज जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। फिलहाल टॉप 30 एयरलाइंस में इतना ही, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र T24। नमस्कार। ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची प्रगती आणि ग्रामीण जीवनाच्या सुधारणेसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास गरजेचा आहे, म्हणूनच राज्य शासनाने 25-15-12-38 ह्या योजनेअंतर्गत विविध कामांना मंजुरी दिली आहे। प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या अंतर्गत मागील 2 वर्षात 40,000 किलोमीटर लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांना शासनाने मंजुरी दिली आहे। ग्रामीण भागात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात रस्ते विकास योजना राबवली जात आहे। गावांतर्गत रस्ते, गटारे, दहन व दफन भूमीची सुधारणा, जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे व अंगणवाड्यांचे नूतनीकरण, ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम, अभ्यासिका बांधकाम, सौर व विद्युत ऊर्जेवर आधारित विद्युत रोहित्र व शेतपाणंद रस्ते योजनेतील कामे अशा 37 कामांच्या समावेशामुळे ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांची निर्मिती होऊन ग्रामीण विकासाला चालना मिळत आहे। निर्धार ग्रामीण विकासाचा, महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा। ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन।